मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को संभल जिले की चंदौसी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी गुलाब देवी के समर्थन में चुनावी सभा में सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। श्री मौर्य ने यह कहकर समाजवादी और समाजवाद पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ना तो कोरोना का टीका मानते हैं और ना ही माथे का टीका मानते हैं। समय आ गया है, अब जनता सब कुछ सिखा देगी। 2022 में जनता सपा को भाजपा की वैक्सीन लगाएगी। मझावली की सभा में उन्होंने बसपा व कांग्रेस का जिक्र भी नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा तो अब साफ है, जनता को सब पता है, अब सपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भाजपा ही प्रदेश में एक बार फिर से 300 पार सीटों पर सरकार बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सपा की सरकार थी तो पुलिस अपराधियों से डरती थी, अब अपराधी पुलिस से डरता है। तो हर गाड़ी पर सपा का झंडा व अंदर गुंडा होता था, लेकिन अब यहाँ ठोकने वाली सरकार है। 2022 में भाजपा का कमल खिलेगा। इस बार मतदाताओं को गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करानी होगी, इसलिए हर बूथ पर इतने कमल बरसाओ कि विरोधी पार्टी में सुनामी छा जाए। 10 मार्च को सपा बसपा कांग्रेस की विदाई का दिन होगा। उन्होंने अंत में कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। समाजवादी पार्टी चुनाव के बाद समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। रालोद के जयंत चौधरी को भी इसी मंच से संदेश देना ना भूलें कि 22 के विधानसभा चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी जयंत को भी मायावती और राहुल गांधी की तरह निकाल फेंकेंगी। अखिलेश यादव ने अपने पिता को भी इस्तेमाल करके निकाल दिया। संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, SKH न्यूज। डालने के लिए जाएंगे भले घर से कुछ सोच करके जाएं, लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाएंगे तो जो कोरोना के संक्रमण काल से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क फ्री में राशन देने का काम कर रहे हैं, तो कुछ विचार आएगा कि नहीं, मन में आएगा, मिल रहा है कि नहीं राशन मिल रहा है। पहले केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी प्रदेश सरकार के द्वारा भी 5 किलो और दिया जा रहा है, प्रति यूनिट 10 किलो, साथ में दाल भी, तेल भी, नमक भी दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे, अगर उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हमारी सरकार ने ईमानदारी से काम किया है तो उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। इसे मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही अपील करके जा रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, मेरे देश के वैज्ञानिक दिनरात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन बनाए, जिससे कोरोना से हम देश को, प्रदेश को, आप सबको, अपने आप को बचा सके। और आपने कहा ये भाजपा की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है तो जनता आपको बताएगी। कोरोना की वैक्सीन तो जनता ने लगा लिया है, लेकिन भाजपा की वैक्सीन अब 14 तारीख को अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता लगाने का काम। और 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक जब जब वोट पड़ेगा वह बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश की जनता लगातार समाजवादी पार्टी को देने का काम करेगी। और उस डोज को पाने के बाद तब आपको पता चलेगा कि भाजपा की वैक्सीन क्या हो। भाजपा की वैक्सीन वैज्ञानिकों की तपस्या को आपने अनादर किया, अपमान किया, आप गुंडों और अपराधियों के संरक्षण